हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जंगल में रहती दुनिया की सबसे अकेली महिला के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए व्लॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग जंगल में रहती दुनिया की सबसे अकेली महिला के बारे में। दोस्तों, अकेले पूरा जीवन गुजारना किसी भी मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है, लेकिन साइबेरिया के एक जंगल में 76 इयर्स की एक महिला अकेले रहती है। महिला जन्म के बाद से ही इस जंगल में अकेले रह रही थी। इन्हें दुनिया की सबसे अकेली महिला माना जाता है, जिनका ना कोई रिश्तेदार है ना ही कोई परिवार। महिला के बारे में जानकर एक अरबपति कारोबारी ने उसकी मदद की, जिसके बाद अब साइबेरिया में ही उसका नया घर बन रहा है। हालांकि यह घर भी शहरी इलाकों से सैकड़ों मील की दूरी पर स्थित है। दुनिया की इस अकेली महिला की उम्र 76 इयर्स है और उनका नाम है आगाफ्या। उनकी मदद की है रूस के एल्यूमिनियम बिजनेस से जुड़े कारोबारी ओलेग डेरिपस्का ने, जो उसके घर बनने का पूरा खर्च उठा रहे हैं। स्टालिन के शासनकाल में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए आगाफ्या का परिवार 1936 में भागकर जंगल पहुंच गया था। आगाफ्या का जन्म उसी वक्त जंगल में हुआ था। इतने दिनों से अकेली रही महिला आगाफ्या अब अपने घर के तैयार होने पर वहां शिफ्ट होने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई आकर उनके साथ रहे, क्योंकि अब वो अकेले नहीं रहना चाहती हैं। इस महिला ने अपना अधिकांश जीवन किसान के रूप में इसी जंगल में बिताया है और अपने भोजन के लिए खुद ही खेती भी करती है, लेकिन अब उम्र बढ़ जाने के बाद स्वास्थ्य कारणों से उनके लिए जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने शहर में बने घर में रहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके लिए शहरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक घर तैयार कराया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन जंगल में रहती दुनिया की सबसे अकेली महिला के बारे में। अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।